ये है आशीषित होने की स्वर्गीय चाबी। जब इस देश में और हर देश में आर्थिक तंगी आने वाली है तो कुछ लोगों के पास काम नहीं होगा, कुछ के कारोबार बंद हो जाएंगे, कुछ के काम नीचे चले जाएंगे, कुछ को अपने घर चलाने में दिक्कत होगी और कुछ के पास पैसा बनाने की क्षमता खत्म हो जाएगी। अगर आप इस आर्थिक तंगी में बने रहना चाहते हैं तो आपको मैनेजमेंट पर ध्यान देना होगा। ये परमेश्वर की सक्सेस की चाबी है। उत्पत्ति 1:28 में लिखा कि परमेश्वर ने उनसे कहा कि फूलो फलो यानी बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई और पृथ्वी भर में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार करो। अब ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये परमेश्वर का मन है आपके लिए। उत्पत्ति 1:26 में परमेश्वर ने कहा कि वह पृथ्वी पर अधिकार रखेंगे और 1:28 में परमेश्वर ने बताया कि वह अधिकार कैसे करना है। अधिकार रखना यानी डोमिनियन का मतलब है कंट्रोल करना, रूल करना, मैनेज करना और लीड करना। अब 28 आयत में उसने बताया कि धरती पर अधिकार कैसे करना है। उसने हमें तरीका बताया है। जो भी धरती पर अधिकार करना चाहे उसे परमेश्वर का ये आसान तरीका अपनाना पड़ेगा। परमेश्वर के इस तरीके में पहले है फलवंत होना यानी फ्रूटफुल होना। परमेश्वर ने हमें सीडफुल होने के लिए नहीं कहा परंतु फ्रूटफुल होने को कहा है। जो पहली बात परमेश्वर ने मनुष्य को बोली वह थी फलवंत हो जाओ। जब तक बीज ना हो तब तक फलवंत होना नामुमकिन है। परमेश्वर वह कभी नहीं कहेंगे जो पहले से नहीं है। जो पहली आज्ञा परमेश्वर की है कि फलवंत हो जाओ। जब आप फलवंत शब्द को देखो तो उसका इब्रानी भाषा में मतलब बच्चे पैदा करना नहीं था। उदाहरण के तौर पर अगर परमेश्वर की आज्ञा का मूल बच्चे पैदा करना होता तो अब्राहम ने अपना काम नहीं किया क्योंकि उसके सिर्फ एक बच्चा था। फ्रूटफुल का मतलब है प्रोडक्टिव होना यानी फलदार होना, मतलब कुछ बनाना, कुछ उपजाना। गरीबी फलदार ना होने का नतीजा है। जब एक बार यीशु मसीह बैठकर खाना खा रहे थे तो एक औरत अंदर आई और उसके लिए ऐसा करना सही नहीं था और उसने एक सुंदर संगमरमर पत्थर की बोतल को लिया, उसमें से इत्र को यीशु मसीह के कदमों में फेंक दिया और उस इत्र की खुशबू से सबको पता लग गया कि ये कोई महंगा इत्र है जो कि इजिप्ट से मंगवाया गया था, जो कि शवों पर लगाया जाता था, जिसकी कीमत इस समय में 12,000 से 13,000 US डॉलर है। इसलिए कहा जा रहा था कि इस इत्र को बेचकर पैसा कंगालों में बांटा जा सकता था। इसलिए उन्होंने यीशु से भी कहा कि आप इस औरत को इतना पैसा अपने शरीर पर क्यों बर्बाद करने दे रहे हो। और यीशु ने कुछ बहुत जरूरी कहा कि कंगाल तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे। तो जब यहाँ कंगालों का जो जिक्र आया उसका मतलब ये नहीं कि जिनके पास घटी है, पर वो जो फलदार नहीं है, जो नॉन प्रोडक्टिव है। परमेश्वर की आज्ञा है उत्पादक बनो, प्रोड्यूस करो। गरीबी वह है जब आप प्रोड्यूस करना बंद कर देते हैं। जब परमेश्वर ने आदम को कहा कि फलवंत बनो तो परमेश्वर ने आदम को चेयर और टेबल नहीं दिए पर उन्हें पेड़ों में रखा। परमेश्वर ने आदमी को शूज नहीं दिए पर उन्हें जानवरों में रखा। परमेश्वर ने उन्हें बिल्डिंग बनाकर नहीं दी पर उन्हें मिट्टी और पत्थरों में रखा। उन्हें गाड़ियां नहीं दी परंतु उन्हें धातुओं के सोर्स में रखा। परमेश्वर ने कहा फलवंत हो जाओ, प्रोडक्टिव हो जाओ। ऑस्ट्रेलिया का फ्यूचर अमेरिका या इंग्लैंड में नहीं है पर ऑस्ट्रेलिया में ही है। प्रोड्यूस करने की क्षमता यही है। गरीबी का मतलब जरिए की या साधनों की कमी नहीं पर कुछ बनाने की और प्रोडक्टिव रहने की कमी है। और कोई क्राइसिस नहीं सिवाय प्रोडक्टिविटी की कमी के। कोई पैसा धरती को छोड़कर नहीं गया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या कहा जा रहा है, पर कोई पैसा चांद पर नहीं गया और कोई पैसा मार्स पर नहीं गया, पर वो अभी भी यही है। और वह पैसा क्रिएटिविटी की तरफ आकर्षित होता है क्योंकि संकट यानी क्राइसिस क्रिएटिविटी और इनोवेशन को बनाता है। जो प्रोडक्टिव होते हैं वही रिसोर्सेज को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। दूसरा है मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई का मतलब है जो आपने बनाया
जिस चीज का आपने उत्पादन किया है उस चीज को आगे रिप्रोड्यूस करना। अगर आप किसी भी सक्सेसफुल कंपनी को देखेंगे, जैसे अगर आप नजदीकी मैकडॉनल्ड्स को देखें, तो वे अपने ओरिजिनल हेडक्वार्टर्स से काफी दूर है। और ये अद्भुत बात है कि अगर आप दुनिया में किसी भी मैकडॉनल्ड्स में जाएं, तो वही सेम बर्गर होता है। मैकडॉनल्ड्स ने परमेश्वर के प्लान को चर्च से भी ज्यादा बेहतर तरीके से जान लिया। पहले आपको प्रोड्यूस करना है। मैकडॉनल्ड्स ने एक चीज बनाई जिसे कहते हैं बिग मैक। आपको ये और कहीं नहीं मिल सकता। ये इनका फल है, पर एक अच्छा प्रोडक्ट होने पर भी आप भूख से मर सकते हैं। एक अच्छा आइडिया आपको अमीर या सक्सेसफुल नहीं बना सकता। आपको स्टेज 2 तक पहुंचना पड़ेगा। मल्टीप्लाई, उसे रिप्रोड्यूस करें। मैकडॉनल्ड्स ने एक सिस्टम बना लिया कि वे 1 महीने में 1 बिलियन बर्गर प्रोड्यूस करते हैं, और वे वही सेम बिग मैक चाइना में, यूक्रेन में, मैक्सिको में, बहामज में, जमैका में, ट्रिनिडैड में, लंदन में, वही सेम बर्गर है। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के दूसरे स्टेज को चलाना सीख लिया। पहले वो प्रोड्यूस करते हैं और फिर रिप्रोड्यूस करते हैं। धरती पर हर कामयाब बिजनेस ने परमेश्वर के प्रोसेस को चुराया है, पर सिर्फ चर्च ने इसे मिस कर दिया। इसीलिए हम टूटे हुए हैं। माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट्स ने एक अच्छा फल प्रोड्यूस किया और फिर उसने उस सिस्टम को मल्टीप्लाई किया। जिसे आप रिप्रोड्यूस ना करें वे मर जाएगा। तीसरा है रिप्लेनिश। परमेश्वर ने कहा रिप्लेनिश करो। रिप्लेनिश का मतलब है डिस्ट्रीब्यूट करना, यानी बांटना। क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर के महान आइडिया सब बिजनेस आइडिया हैं? क्यों? क्योंकि आप एक मैनेजर हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका प्रोडक्ट कितना अच्छा है और कितनी बार आप उसको रिप्रोड्यूस करते हैं। एक कंपनी को डेड इन्वेंट्री से ज्यादा जल्दी कोई बर्बाद नहीं कर सकता। आपको कामयाबी के तीसरे चरण तक जाना होगा, और वो है डिस्ट्रीब्यूशन। ये चर्च परमेश्वर ने इसलिए नहीं बनाया कि ये एक अच्छा प्रोडक्ट बने। वो चाहता है कि आप इसको शहर में हजारों बार रिप्रोड्यूस करें, और फिर वे उसे दुनिया के बाकी हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है। दुनिया में जो भी कामयाब बिजनेस है, वह परमेश्वर के इस प्रोग्राम को फॉलो कर रहा है। परमेश्वर के सक्सेस मैनेजमेंट प्रोग्राम का चौथा चरण है सबड्यू करना, यानी मार्केट को कंट्रोल करना। आप जानते हैं मैकडॉनल्ड्स को कंपटीशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर वो डोमिनेशन के पीछे है। अगर आप बिजनेस में हैं और आप मार्केट को डोमिनेट करने के लिए कोई प्लान नहीं फॉलो करते हैं, तो आप बिजनेस से निकल जाएं। बिल गेट्स आज दुनिया में सबसे अमीर आदमी है, क्योंकि वह इस दौर में सबसे कामयाब व्यक्ति था जिसने कामयाबी से परमेश्वर के इस प्रोग्राम को फॉलो किया। उसने एक फल उत्पन्न किया और फिर उसे रिप्रोड्यूस किया, और फिर उसे हर कंप्यूटर में डिस्ट्रीब्यूट किया। और ये इतना कामयाब रहा कि वह पूरे देशों में फैल गया, और उसने पूरी कंप्यूटर मार्केट को डोमिनेट किया। फिर उन्होंने उसे बुलाकर उसे कहा कि तुम बहुत सक्सेसफुल हो, तुम ये कर सकते हो, और तुम दुनिया में हर कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकते हो। उसकी कामयाबी ने दूसरों में उसके प्रति एक डर पैदा कर दिया। आप अपने गिफ्ट के साथ क्या कर रहे हैं? आप एक गिफ्ट के साथ पैदा हुए हैं। आपका जीवन परमेश्वर की ओर से एक बीज का पैकेज है। सबड्यू करें, कंट्रोल करें। अगर आप परमेश्वर के ये 4 तरीके अपनाएं, पहला फ्रूटफुल हो यानी अपना प्रोडक्ट बनाएं, दूसरा मल्टीप्लाई हो यानी उसे रिप्रोड्यूस करें, तीसरा रिप्लेनिश यानी उसे डिस्ट्रीब्यूट करें, चौथा सबड्यू यानी मार्केट को कंट्रोल करें, तो इसका परिणाम डोमिनियन होगा। और डोमिनियन करना आपका लक्ष्य नहीं है, पर ये आपका रिजल्ट होगा। हमारी अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे दशमांश की हैरान करने वाली सच्चाई, कि जिस परमेश्वर ने सारी दुनिया को बनाया, परमेश्वर ने कहा कि धरती पर जो कुछ भी है वह सब मेरा है, तो फिर हम परमेश्वर को क्या दे सकते हैं? दशमांश परमेश्वर के लिए नहीं है, पर वह परमेश्वर ने हमारे लिए एक सक्सेस मैनेजमेंट प्लान तैयार किया है। तो इस प्लान को जानने और समझने के लिए हमारी अगली वीडियो को देखना ना भूलें। परमेश्वर के वचन से रिलेटेड और भी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल जीसस टीवी को सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन के लिए अब बेल आइकन पर क्लिक करें।